हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर अबाउट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एक्सेल शीट के अंदर डेली एक्सपेंस रिकॉर्ड्स को या पेटी कैश को कैसे आप मैनेज करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने इस शीट के अंदर यहाँ पे फिक्स कर दी है, जिससे कि शीट जो है पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा एडवांस बन गई है। बस आपको इस शीट के अंदर बस डेटा की एंट्री करनी होगी, बाकी सारा काम जो है शीट ऑटोमेटिक खुद हैंडल कर लेगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस शीट को हम कैसे बनाते हैं। तो एक्सेल शीट को आपको जो है ओपन कर लेना है और उसके बाद जितने भी मेजर एट्रीब्यूट्स हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है, जैसे कि सीरियल नंबर हमारा एक मेजर एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम यहाँ पर हम डेट भी लिखेंगे, डेट के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं। नेक्स्ट में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, चाहे तो रिमार्क लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देता हूँ, छोटा रहेगा लिखने में, ठीक है, रिमार्क लिख दिया। उसके बाद आपके पास कितना पैसा आया है, रिसीव हुआ है, उसको आप इन में लिखिएगा, कितना पैसा आपने खर्च किया है उसे आप आउट में लिखिएगा, और उसके बाद आपके पास कितना अमाउंट जो है लेफ्ट रह गया है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, या तो टोटल लेफ्ट अमाउंट लिख लीजिए या तो यहाँ पे बैलेंस लिख लीजिए, बैलेंस सही रहेगा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिख लेते हैं। तो देखिए इतने मेजर एट्रीब्यूट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपके हिसाब से अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इनका भी लिख लिया, आउट का भी लिख लिया और लेफ्ट अमाउंट भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास ये जो हम एक्सपेंस शीट बना रहे हैं कौन से मंथ की है, तो यहाँ पे हम मंथ की डिटेल डालेंगे, मंथ की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे हम शो करेंगे। ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 25,000 मेरे को मिला है, ठीक है, खर्चे वर्चे के लिए, पेटी कैश के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और इसको फुली ऑटोमेटिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेली एक्सपेंस रिपोर्ट लिख देते हैं, इसको हम मर्ज कर लेते हैं, व्रैप कर लेते हैं और इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। जो टैक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेली एक्सपेंस रिपोर्ट्स, या रिपोर्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड्स लिख दिया। अब इसके बाद इसका जो साइज है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट का, तो फॉन्ट का साइज मैंने बड़ा कर लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, हाँ ये फिट हो गया इसके अंदर। अब इसका जो साइज है, साइज कह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं दे देता हूँ जिससे कि ये सही रहे, और इतने हिस्से में मैं कंपनी नेम दे देता हूँ, तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंपनी नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने केस में कंपनी नेम लिखेंगे, ठीक है, आपकी कंपनी है, फर्म है, जो भी है उसका नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मेट जो है लगभग तैयार है, कंपनी नेम आपको यहाँ दे देना है, बोल्ड कर देना है, चाहे तो अंडरलाइन भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और इसके हिस्से को भी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड में, जिससे कि अच्छे से शो हो। अब इस पूरे को यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए और सभी को मैं मिड में अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी बोल्ड हो गए हैं और यहाँ पे मिड में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डेटा की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जो हेडर वाला सेक्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको आप चाहे तो बोल्ड कर दीजिए, बीच में रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर आपको कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको फ़िलहाल एक एंट्री कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा और 2 लिख दिया, ठीक है, और डेट यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आज 20 अक्टूबर है, 20/10/2022 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है, आज के दिन मैंने एक मोबाइल रिचार्ज किया है ऑफिस का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने मोबाइल रिचार्ज। रिमार्क में चाहे तो नंबर दे सकते हैं, जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं, कितने का मैंने 500 रुपये का रिचार्ज किया है। तो यहाँ पे बस एक बार मैं यहाँ पे बैलेंस अपडेट कर देता हूँ, तो इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इन बैलेंस माइनस कर देना है आउट बैलेंस से और कर देना है आपको एंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो लेफ्ट अमाउंट है वो जितना बचा है 24,500 यहाँ पर शो हो गया है। अब एक एंट्री में और कर लेता हूँ, मान लीजिए कि 21 तारीख को 21/10/2022 को
मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी पे बिल कर दिया मैंने। यहाँ पे कितना पे किया मैंने, मैंने यहाँ पे कर दिया 5000 रुपीस, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पूरी एंट्री कर देता हूँ, इक्वल टू दिस प्लस इन माइनस दिस, और कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे जो है आंसर में शो हो गई है। अब इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से सीरियल नंबर जहाँ पे लिखा है इतने वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, और जहाँ तक एंट्री हो रखी है, फिलहाल मैं दो एंट्री पे कर रहा हूँ, इसके बाद हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी फॉर्मेटिंग है खुद से ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको अपने कीबोर्ड से जो है शॉर्टकट प्रेस करना है जिसका नाम है Ctrl+T, इसको टेबल में आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्रिएट टेबल आ गया, और यहाँ पे आपको ये वाला सेक्शन जो है इनेबल होना चाहिए, माय टेबल हैज हेडर्स, तो ये जो सीरियल नंबर डेट पर्टिकुलर ये सब है ये हेडर्स बता रहा है। लेकिन इससे पहले जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांस कर लेते हैं, जो हमारा बैलेंस वाला सेक्शन है ना, इसको हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ पे रुपये में दिखाए, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, करेंसी यहाँ पे हम रुपये में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एंट्री करेंगे हम रुपये में दिखाएगा, अगर मैं अभी ऐसे करता और बाद में अगर हम रुपए का सिंबल लगाते तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन नहीं करता, ठीक है, वहाँ पे आपको एरर आ जाता। तो देखिए हमने यहाँ पे रुपए का साइन लगा लिया, और डेट जो है डेट हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी दूसरे फॉर्मेट में शो हो, तो चलिए डेट के पास भी चल लेते हैं। तो डेट हम यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं, चलो इस फॉर्मेट में हम डेट जो है शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा, ठीक से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो शो हो जाएगा, शो हो रहा है डेट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट जो है यहाँ पे अब तैयार है पूरा, बस अब हमें इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+T कर देना है, और इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे बन गई टेबल, अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे वो फॉर्मेट जो है आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे मैं एंट्री यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पे एंट्री करी, तो देखिए फॉर्मेटिंग जो है ऑटोमेटिक अप्लाई हो रही है, तो देख रहे हैं आप, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मेरे को 22/10 को 22/10/2022 को मेरे को जो है कैश रिसीव हुआ है कहीं से, ठीक है, कैश रिसीव हुआ है, तो इसको मैं एंट्री इन में करूँगा, कितना रिसीव हुआ है, मान लो कि 20,000 रुपये मेरे को रिसीव हुए हैं, ठीक है, उसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर दूँगा, कहाँ से रिसीव हुआ है कैसे रिसीव हुआ है वो बात की बात है, और फिलहाल इसको कर देता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस भी अपडेट होता गया, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मान लो कि इस महीने की पूरी एक्सपेंस शीट ये तैयार हो गई, तो बस लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल कर देना है, टोटल इन कर देना है, टोटल आउट कर देना है, और टोटल यहाँ पे आप शो करा देना है, नहीं तो आप चाहे तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो कर सकते हैं। और एक चीज़ जैसे मान लो कि ये तो एंट्री अभी 3-4 है, अगर यहाँ पे 100-200 एंट्री हो जाए तब तो फ्रेंड्स स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे अभी आपको दिक्कत आएगी, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद जो है ना आपको इसको फ्रीज कर देना है, ठीक है, फ्रीज प्लेन। अब होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दिख गई है, अभी डेटा जो है यहाँ पे फ्रीज हो गया, जैसे आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ना तो आप देख सकते हैं ऊपर का जो हेडर है आपको अच्छे से शो हो जाएगा, और आपको जो भी एंट्री करनी है आप कर सकते हैं, जैसे कि अब मेरे को 23/10/2022 को मैंने जो है पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, पेट्रोल के लिए कितना पैसा मैंने खर्च किया है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2000 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, तो उसकी एंट्री कर दी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक होता गया, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर काम जो है ना यहाँ पे फ्रेंड्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आप 5वीं कोई एंट्री करते हैं, यहाँ पे 5 लिखिए, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ जो है ना ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होती जाएगी, आपका सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पे ना आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री करनी है और काम जो है आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फॉर्मेटिंग हमें बार बार अप्लाई करनी पड़ रही है, करना पड़ रहा है, मैंने आपको बताया भी, तो
थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी लोगों को समझने में, इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा अच्छे से एक परफेक्ट ट्यूटोरियल आप सभी के लिए बना के दे दूँ। और बाकी अगर थोड़ी बहुत अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं और भी अदर चेंजेस करके बताऊँ आपको, या आपके ऑफिस में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आप थोड़ा सा मेरे को बताइए नीचे कॉमेंट करके या मेरे को इंस्टाग्राम पर, तो आपको लिए मैं वो ट्यूटोरियल भी जो है एक अलग से लेके जरूर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।